हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे है मेरी परी। सोचा मैं आज आपको अपनी परी दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 28 दिन की हो गई है और घास खाने लगी है थोड़ा थोड़ा। और ये है इसकी मम्मी। सुबह का टाइम था और इनके लिए हमने हरी घास ला करके दी थी। और देखिए ये दोनों लड़ रहे हैं एक टहनी के पीछे दोनों ही लड़ रहे थे। और इसको सबका घास चुरा चुरा के खाने की आदत है। ये जो काला बकरी का बच्चा है सबका चुरा चुरा के खाता है। पता नहीं इसकी क्या आदत है। कभी ये घर में जा कर के जहाँ पे फीड चोकर वगैरह रखी होती है वहाँ पे खाता है, तो कभी यहाँ पे। ये देखिए इसकी चोरी करने की आदत पता नहीं कब जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा शैतान है। सबके पास जाता है और सबका घास चुराता है। और देखिए मेरी मासूम सी परी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और बहुत मोटी तगड़ी हो रही है। इसकी डाइट फ्रेंड्स 2 लीटर दूध ये सुबह पीती है और 2 लीटर ये शाम को पीती है। बाकी जो 3 लीटर सुबह और शाम को बचता है वो हमारे लिए होता है और सबसे पहले यही पी जाती है। इसकी मम्मी पर डे का मतलब एक टाइम का 5 लीटर दूध देती है सुबह और 5 लीटर देती है शाम को। तो उसमें से ये देखिए ये कमज़ोर हो गई है आजकल थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ी हरी घास की प्रॉब्लम हो रही है इसके लिए। और जब तक ये इसकी डिलीवरी हुई थी तो इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस करके इसे घास के लिए हरी घास अब जा कर के देने लगे हम बराबर, नहीं तो पहले बहुत कम देते थे। तो इस करके इसकी सेहत डाउन हो गई है। और देखिए ये चुरा चुरा के खाते हैं सबका और मेरी परी भी खाना सीख रही है। तो फ्रेंड्स बताइएगा आप भी कि आपको मेरी परी कैसी लगी। देखिए मेरी आंखों के सामने बड़ा हो रही है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी नौटंकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपका भी कोई सुझाव है या आप कोई वीडियो चाहते हो हमसे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी उम्मीद पे आपके कमेंट्स पे खरा उतरूँ फ्रेंड्स। और जितने भी लोग साथ दे रहे हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और देखिए इसकी नौटंकी फ्रेंड्स, मेरी परी को आप ढेर सारा प्यार देना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।